Good evening, everyone. This is Simarpreet Singh Arora. I'm here in front of you with English lecture number one. Today, we'll be covering The Portrait of a Lady, which is your first chapter of Hornbill. Now, अगर मैं आपसे इंग्लिश के सिलेबस की बात करता हूँ, हमारे पास एनसीईआरटी की तरफ से दो बुक्स हैं, एक हमारे पास हॉर्नबिल है, एक हमारे पास स्नैपशॉट्स है. वी हैव वैरायटी ऑफ प्रोज चैप्टर्स, वी हैव वैरायटी ऑफ पोएम्स जो हमारे को क्लास 11th के अंदर कवर करनी है. लास्ट टाइम तक 11th बहुत ही आसान कर रखी थी बिकॉज इन्होंने 30% सिलेबस कोविड की वजह से हटा रखा था. दिस टाइम आपका सिंगल एग्जाम होना है जो आपका होना है एंड के अंदर, एंड उसके अंदर सारा सिलेबस आएगा, कुछ भी नहीं कटा. तो बहुत ध्यान से इस चीज़ को हम लोग कवर करेंगे. इफ़ यू वॉन्ट मोर इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग लेक्चर्स, रिगार्डिंग क्लासेस, यू कैन चेक आउट arorastudycircle.com. मोर ओवर, अगर आपको एप्स पे भी ये चीज़ देखनी है तो हमारी ऑफिशियल ऐप है अरोड़ा स्टडी सर्कल, जो आप प्ले स्टोर एंड्रॉइड से डाउनलोड कर सकते हैं. If you require classes, classes are conducted both online as well as offline. You can contact 8851399893. Classes India के अंदर भी होती हैं, classes India से बाहर Malaysia, Singapore, Philippines, Dubai के अंदर भी होती हैं. अगर आप बाहर से भी इनको join करना चाहते हो, then you can very well do so. Okay, let's start. आज की class में the chapter that we have to cover is Portrait of a Lady by Khushwant Sir. Yes. So, ये चैप्टर आपके हमने प्रेजेंट कर रहा हूँ द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी. इस चैप्टर को किसने लिखा है? इस चैप्टर को खुशवंत सिंह ने लिखा है. बेसिकली दिस चैप्टर द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी टॉक्स अबाउट द रिलेशनशिप ऑफ ऑथर विद हर ग्रैंडमदर. यहाँ पर हम लोग बेसिकली खुशवंत सिंह के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं कि वो अपनी ग्रैंडमदर को कैसे डिस्क्राइब करते हैं. हमारे पास इसमें बहुत सारे एट्रीब्यूट्स आएंगे. हम पढ़ेंगे खुशवंत सिंह अपने ग्रैंडमदर को फिजिकली कैसे डिस्क्राइब करते हैं, मेंटली कैसे डिस्क्राइब करते हैं, स्पिरिचुअली कैसे डिस्क्राइब करते हैं, एंड उनका रिलेशनशिप, खुशवंत सिंह का रिलेशनशिप अपनी ग्रैंडमदर के साथ में ओवर द इयर्स इवॉल्व कैसे करते हैं, वो सब चीजें हमारे पास इस चैप्टर के अंदर अभी आएंगे. ठीक है, लेट्स स्टार्ट. द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी बाय खुशवंत सिंह. माय ग्रैंडमदर, लाइक एवरीबॉडीज ग्रैंडमदर, वाज एन ओल्ड वुमन. She had been old and wrinkled for the 20 years that I had known her. People said that she had once been young and pretty and had even had a husband, but that was hard to believe. My grandfather's portrait hung above the mantelpiece in the drawing room. He wore a big turban and loose-fitting clothes. His long white beard covered the best part of his chest and he looked at least 100 years old. So basically Khushwant Singh is chapter ko shuru karte hain and wo kehte hain meri grandmother jaise ki baki aur ki grandmother hoti hain was an old woman. Ab dekho ek grandson ke liye jab bhi wo apni grandmother ko dekhta hai to kabhi young age mein nahi dekhta. जब भी एक ग्रैंडसन अपनी ग्रैंडमदर को पहली बार नोटिस करना शुरू करता है तो उसकी ग्रैंडमदर ऑलरेडी एक बहुत एजेड फेस में आ चुकी होती है. वैसे ही जब खुशवंत सिंह अपनी ग्रैंडमदर को देखता है, उनको रिकलेक्ट करता है, उनकी मेमोरीज को, वो हमेशा उसके सामने एक ओल्ड वुमेन की तरह आती है. शी हैड बीन ओल्ड एंड रिंकल्ड फॉर द 20 ईयर्स दैट आई हैड नोन हर. जिन 20 सालों से मैं उनको जानता था तब से वो ओल्ड और एक रिंकल्ड वुमेन रही. दैट इज उनकी स्किन वगैरह में बहुत सारी रिंकल्स ही, बहुत सारी झुर्रियां थी. People said that she had once been young and pretty and had even had a husband. लोग ये कहते थे कभी ये भी pretty हुआ करती थी. My grandmother also used to be a very pretty woman and इनका एक husband भी था. But that was hard to believe. लेकिन मेरे लिए इस चीज को believe करना बहुत ही मुश्किल था. अगर आप खुशवंत सिंह के point of view से इस बात को सोचते हो तो वो एक grandson था. उसके होते उसी ग्रैंडमदर ऑलरेडी एक एजेड फेज में आ चुकी थी, इसीलिए उसको इमेजिन करना कि मेरी ग्रैंडमदर कभी ब्यूटीफुल, मेरी ग्रैंडमदर कभी प्रिटी, या मेरी ग्रैंडमदर का कभी कोई हस्बैंड वगैरह हो सकता है, वो कभी यंग वगैरह हो सकती है, ये सारे आइडियाज उसके लिए बहुत ही रिवोल्टिंग थे. माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट हंग अबव द मेंटल पीस इन द ड्रॉइंग रूम. मेरे ग्रैंड फादर का जो पोर्ट्रेट था वो ड्रॉइंग रूम के अंदर था. ही वोर अ बिग टर्बन एंड लूज फिटिंग क्लोथ. उस पर्टिकुलर फ्रेम के अंदर, उस पर्टिकुलर पोर्ट्रेट के अंदर मेरे को दिख रहा था कि मेरे ग्रैंड फादर जो है उन्होंने एक बड़ी सी एक टर्बन पहन रखी है एंड ही इज वेयरिंग सम लूज फिटिंग क्लोथ. His long white beard covered the best part of his chest. क्या मतलब है इस बात का? वो बेसिकली डिस्क्राइब कर रहे हैं अपने ग्रैंड फादर को जो उस पिक्चर के अंदर है. उसके ग्रैंडफादर ने एक बहुत बड़ी सी टर्बन पहन रखी है, उसके ग्रैंडफादर ने लूज फिटिंग क्लोथ्स पहन रखे हैं. एट द सेम टाइम उसके ग्रैंडफादर की जो बियर्ड है, जो दाढ़ी है, वो इतनी बड़ी है कि वो उसके बेस्ट पार्ट ऑफ चेस्ट को कवर कर लेती है. एंड ही लुक्ड एट लीस्ट 100 इयर्स ओल्ड एंड वो एक बहुत ही एजेड पर्सन लग रहे हैं. ही डिड नॉट लुक द सॉर्ट ऑफ पर्सन हु वुड हैव अ वाइफ और चिल्ड्रन. तो खुशवंत सिंह कह रहे हैं कि वो कोई ऐसे पर्सन नहीं लगते थे जिनकी कोई वाइफ हो सकती थी, जिनके कोई बच्चे वगैरह हो सकते थे. ओके, वो ऐसे नहीं लगता कि उनकी कोई वाइफ हो सकती थी, उनके कोई बच्चे हो सकते थे. ही लुक्ड एज इफ ही कुड हैव ओनली लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ग्रैंडचिल्ड्रन.
सिर्फ ऐसे लगता था कि उनके बहुत सारे ग्रैंड चिल्ड्रन हो सकते हैं। एज फॉर माई ग्रैंड मदर बींग यंग एंड प्रिटी द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग। ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। खुशवंत सिंह के लिए अपनी ग्रैंड मदर को यंग या फिर प्रिटी इमेजिन करना, ये थॉट उसके लिए बहुत ही रिवोल्टिंग था। ये थॉट उसके लिए बहुत ही कॉन्ट्राडिक्टिंग था, बिकॉज अपनी ग्रैंड मदर को एक यंग फेज में, एक प्रिटी फेज में कभी इमेजिन ही नहीं कर सकता था। शी ऑफन टोल्ड अस ऑफ द गेम्स शी यूज टू प्ले एज अ चाइल्ड। मेरी ग्रैंड मदर मुझे बताया करती थी कि वो कौन कौन सी गेम्स खेला करती थी जब मैं एक बच्चा था। दैट सीम्ड क्वाइट एब्सर्ड एंड अनडिग्निफाइड ऑन हर पार्ट एंड वी ट्रीटेड लाइक द फेबल्स ऑफ द प्रॉफिट शी यूज्ड टू टेल अस। नाउ इस चीज का मतलब क्या है आप लोग बहुत ध्यान से समझो। तो वो कह रहे हैं कि वो मैं ऑफन बताया करती थी कि वो कौन कौन सी गेम्स शी यूज्ड टू प्ले एज अ चाइल्ड। जब वो एक चाइल्ड थी तो वो कौन कौन सी गेम्स वगैरह खेला करती थी, लेकिन मेरे को उस चीज़ को समझना, उस आइडिया को एब्जॉर्ब करना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल था, बिकॉज आई ऑलवेज थॉट ऑल दोज आइडियाज वर क्वाइट एब्जर्ड। मुझे हमेशा लगता था कि वो सारे के सारे आइडियाज क्या हैं, वो सारे के सारे आइडियाज क्वाइट एब्जर्ड है उसके मतलब से। दैट सीम्ड क्वाइट एब्जर्ड एंड अनसिग्निफाइड ऑन हर पार्ट एंड वी ट्रीटेड इट लाइक द फेबल्स ऑफ द प्रॉफिट्स यूज्ड टू टेल अस। तो हमारे को वो आइडियाज बहुत ही एब्जर्ड लगते थे, बहुत ही अनडिग्निफाइड लगते थे, एंड आई यूज टू ट्रीट इट लाइक द स्टोरीज ऑफ द प्रॉफिट दैट शी यूज्ड टू टेल अस। जैसे वो प्रॉफिट्स वगैरह की, संतों वगैरह की स्टोरीज हमारे को सुनाया करती थी, जैसे हमको माइथोलॉजी मानते हैं वैसे ही मुझे मेरी ग्रैंड मदर जो मुझे अपनी स्टोरीज वगैरह सुना रही हैं बचपन में खेलने की, ये भी क्या है, ये सब माइथोलॉजीज है, ये सब के सब फेबल्स हैं, एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करते। She had always been short and fat and slightly bent. जब से मैं उनको देख रहा हूँ हमेशा से वो शॉर्ट है, उनकी हाइट थोड़ी सी कम है। शी इज क्वाइट फैट एंड शी इज स्लाइटली बेंट। अब ये चीज ओल्ड एज में होती है, ओल्ड एज में धीरे धीरे आपके ऑर्गन्स डिग्रेड करना शुरू करते हैं, आपकी स्पाइन भी धीरे धीरे बेंट होनी शुरू होती है। आप देखो जब आप एक टीनेज के अंदर होते हो, आप अपने फेस यंग फेस के अंदर होते हो, तो आप बिल्कुल स्टिल, बिल्कुल सीधा होके बैठते हो, यू आर स्टेड फास्ट। लेकिन जैसे जैसे यू आर एंटरिंग द ओल्ड फेज, आपकी जो बॉडी होती है वो इंक्लाइन होना शुरू हो जाती है। वही चीज़ उसकी ग्रैंड मदर के साथ भी हुई होती है। हर फेस वॉज अ क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर। उनके फेस के ऊपर बहुत सारे रिंकल्स थे, बहुत सारी झुर्रियां थी, एंड वो एक क्रिस क्रॉस की तरह लगता था। आप देखो जैसे आपके हैंड के ऊपर बहुत सारी लाइन्स वगैरह होती है, वैसे ही अगर एक लाइंस किसी के फेस के ऊपर और रिंकल्स की वजह से, तो इसलिए क्रिस क्रॉस बना रखा है उसने। नो वी वर सर्टन दैट शी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड। एज वी हैड नोन हर ओल्ड सो टेरिबली ओल्ड शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर एंड हैड स्टेड एट द सेम एज फॉर 20 इयर्स। तो खुशवंत सिंह कहते हैं कि मैं तो हमेशा से ही उनको ओल्ड देखता हुआ आ रहा हूँ एंड मुझे लगता है कि वो इससे यंग कभी नहीं होंगी, पिछले 20 साल से वो इतनी ही ओल्ड चलती हुई आ रही है। शी कुड नेवर हैव बीन प्रिटी बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटिफुल। अब ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो क्या कह रहे हैं यहाँ पे, उसके हिसाब से उसकी ग्रैंड मदर कभी प्रिटी नहीं हो सकती थी। आप देखो प्रिटी हम लोग कहते हैं किसी के फिजिकल एट्रीब्यूट्स को, या आपको सामने से पर्सन बहुत ही सुंदर लगता है, बहुत ही अट्रैक्टिव लगता है, आप उसको प्रिटी कहते हो। ब्यूटीफुल अंदर से लोग होते हैं, ब्यूटीफुल इज मोर ऑन द इनसाइड। इसीलिए खुशवंत सिंह अपनी ग्रैंड मदर को डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो वो क्या कह रहे हैं, ही इज सेइंग कि उसकी ग्रैंड मदर कुड हैव बीन प्रिटी, वो प्रिटी हो सकती थी, वो कुड प्रिटी नहीं हो सकती थी, बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटिफुल। उसके लिए अपनी ग्रैंड मदर को फिजिकल एट्रीब्यूट्स में प्रिटी मानना पॉसिबल नहीं था, लेकिन वो हमेशा से ये बात बिलीव करता था कि उसकी ग्रैंड मदर ब्यूटिफुल थी। She was beautiful on the inside. She hobbled about the house in spotless white with one hand resting on her waist to balance her stoop and the other telling the beads of her rosary. तो वो पूरे हाउस के अंदर मूव करती, she used to hobble around in the house in spotless white. उन्होंने व्हाइट कलर के कपड़े वगैरह पहने होते थे, with one hand resting on her waist. उनका जो एक हाथ होता था अपने वेस्ट के ऊपर होता था and the second hand was telling the beads of her rosary. जैसे आप देखते आपकी ग्रैंड मदर वगैरह थी माला वगैरह जप रही होती है, उसी माला को हम लोग इंग्लिश में रोजरी कहते हैं। उसी ग्रैंड मदर क्या करती थी, एक हैंड अपने वेस्ट पे रखती थी अपने आप को सपोर्ट करने के लिए एंड सेकेंड हैंड से यू टू टेल द बीट्स ऑफ हर रोज़री। हर सिल्वर लॉक्स वर स्कैटर्ड। लॉक्स का मतलब क्या होता है, लॉक्स का मतलब हेयर होता है। हर सिल्वर लॉक्स वर स्कैटर्ड अनटाइडली ओवर हर फेस। उनकी जो सिल्वर कलर के लॉक्स थे, जो सिल्वर कलर के हेयर थे, वो उनके फेस के ऊपर आ जाते थे। ओवर हर पेल पकर्ड फेस एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन इनऑडिबल प्रेयर। तो उनके जो सिल्वर लॉक्स थे वो बहुत ही अनटाइडली स्कैटर्ड थे उनके पेल पकर्ड फेस के ऊपर। मतलब आप देखो जैसे आप ओल्ड एज की तरफ जाते हो, आपके फेस से जो ब्राइटनेस होती है वो सब की जाती जाती है, धीरे धीरे आपका फेस जो होता है वो पेल होता है, अपना कलर छोड़ना शुरू कर देता है। वही सब चीजों से ग्रैंड मदर के साथ भी हो रही होती है।
एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन इनऑडिबल प्रेयर. उनके लिप्स जो होते हैं वो कॉन्स्टेंटली मूव करते रहते हैं इनऑडिबल प्रेयर के अंदर. यस शी वॉज ब्यूटिफुल. She was like the winter landscape in the mountains, an expanse of pure white serenity, breathing peace and contentment. तो वो कहते हैं हाँ, yes, she was beautiful. वो beautiful जरूर थी. She was like the winter landscape in the mountains. जैसे आप एक बहुत ही सुंदर, एक बहुत ही beautiful nature की scenery imagine करते हो, जहाँ दूर दूर तक आपको snow नजर आती है, mountains नजर आते हैं, pure white serenity नजर आती है, breathing peace and contentment. वैसे ही चीजें grandmother के साथ भी हमारे को feel होती. Whenever we used to be with our grandmother, we used to feel peaceful, we used to feel content. हमें बहुत अच्छा लगता था, we were always satisfied. Now, अब यही चीज को यहाँ पे बात कर रहे हैं. अगर आप देखो हम लोगों ने आज क्या शुरू कराया, हमने एक चैप्टर शुरू करा द पोर्ट ऑफ अ लेडी. इस चैप्टर को किसने लिखा है? इस चैप्टर को खुशवंत सिंह ने लिखा है. एंड हम इस चैप्टर में बेसिकली ग्रैंडमदर के साथ में उसके रिलेशनशिप को डिस्कस कर रहे हैं. खुशवंत सिंह के लिए अपनी ग्रैंडमदर को यंग इमेजिन करना, प्रिटी इमेजिन करना, ये थॉट बहुत ही प्रोवोकिंग है, ये थॉट बहुत ही रिटार्डिंग है, ये थॉट को वो एब्सर्ड मानते हैं. उसे लगता है कि नहीं, ये चीज नहीं हो सकती. लेकिन वो हमेशा ये बात कहता है दैट हर ग्रैंडमदर वाज ऑलवेज ब्यूटीफुल, बिकॉज़ ब्यूटी इज ऑन द इनसाइड. और जब प्रिटी हम लोग वर्ड यूज करते हैं तो हम लोग फिजिकल एट्रीब्यूट्स की तरफ यूज करते हैं. अपने ग्रैंडफादर को जब वो डिस्क्राइब करता है तो वो एक पिक्चर से डिस्क्राइब करता है, कोट से डिस्क्राइब करता है. वो कहते हैं उसे ग्रैंडफादर जो थे एक बड़ी सी टर्बन पहनते थे, ही यूज टू वेयर लूज फिटेड क्लोथ्स एंड एट द सेम टाइम उनकी जो इनकी बहुत बड़ी बियर्ड थी जो उनकी बेस्ट पार्ट ऑफ द चेस्ट को कवर कर लेती थी. वो इतने एजेड लगते थे दैट हमें ऐसा लग ही नहीं सकता था कि उनके कभी कोई बच्चे हो सकते, उनके कभी कोई वाइफ हो सकती थी. बट यस इट सीम्ड एज इफ ही वुड हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ग्रैंडचिल्ड्रन. आगे करते हैं. My grandmother and I were good friends. मेरी grandmother और मैं हम लोग बहुत अच्छे दोस्त थे. My parents left me with her when they went to live in the city and we were constantly together. मेरे parents ने मुझे छोड़ दिया उनके साथ में जब हम लोग city में रहने के लिए गए and हम लोग हमेशा इकट्ठे रहते थे. Me and my grandmother, we always used to stay together. She used to wake me up in the morning and get me ready for school. मुझे सुबह उठाती थी morning के अंदर और मेरे को school के लिए ready भी करती थी. She said her morning prayer in a monotonous sing song while she bathed and dressed me in the hope that I would listen and get to know it by heart. तो कह रहे हैं कि वो अपनी मॉर्निंग प्रेयर वगैरह बोलती थी इन अ मोनोटोनस सिंग सॉन्ग. मोनोटोनस का मतलब क्या होता है? आप देखो जब भी आप कोई प्रेयर कर रहे होते हो, चाहे हिंदू प्रेयर होती है चाहे सिख प्रेयर होती है, तो उसके अंदर क्या करते हो आप एक ही चीज को बार बार बोलते रहते हो, सेम ही चीजों को, यू रिपीट अगेन आफ्टर अगेन इन अ मोनोटोनस वॉइस. एंड उससे होता क्या है, वो चीज आपको याद हो जाती है. वैसे ही उसकी ग्रैंडमदर बार बार उन चीजों को रिपीट करती थी इन एन एफर्ट कि खुशवंत सिंह को भी वो चीज याद हो जाए. She said a morning prayer in a monotonous sing-song while she bathed and dressed me in the hope that I would listen and get to know it by heart. I listened because I loved her voice but never bothered to learn it. तो जो भी वो wordings वगैरह पूछ रही, मैंने कभी bother नहीं करा उनको learn करने का. मैं सिर्फ इस चीज़ को इसलिए सुनता था because I used to love my grandmother's voice. Then she would fetch my wooden slate which she had already washed and plastered with yellow chalk, a tiny earthen tink pot and a red pen, tie them all in a bundle and hand it to me. After a breakfast of thick stale chapati with little butter and sugar spread on it, we went to the school. She carried several stale chapatis with her for the village talks. Now ab hota kya tha, usi grandmother subah subah use uthati thi school lekar jane ke liye. Aap dekho ye story itni purani hai ki yahan pe koi notebooks pe registers wagaira exist nahi karte hain. Khushwant Singh ko jo apne school jana hai to apne saath mein ek wooden slate lekar jana hai. So, आप उस वुडन स्लेट को लेकर जाते हो, वहां पर जाके जो चौक वगैरह होता है आप उससे लिखते हो. जब आपका एक दिन स्कूल का खत्म हो जाता है तो आप उस वुडन स्लेट को दोबारा घर लेकर आते हो, उसमें जो भी चीज लिखी है उसको वॉश ऑफ कर देते हो. तो वही चीज खुशवंत सिंह के साथ भी होती थी. उसकी ग्रैंड मदर उसके जो पेन वगैरह थे, जो उसके चौक वगैरह था, जो उसकी वुडन स्लेट थी, उन सबको भी तैयार किया करती थी. एट द सेम टाइम हम लोग स्टेल चपातीस खाते थे. स्टेल चपातीस का मतलब क्या होता है? बासी चपातीस, दैट इज जो एक दिन पुरानी चपातीस. जनरली ये चीज मानी जाती है कि जो स्टेल चपातीज होती हैं दे आर बेटर देन रेगुलर चपातीज. जो रेगुलर चपातीज वगैरह होती है आपके ब्लड शुगर को स्पाइक वगैरह कर सकती हैं, आपके लिए कुछ हद तक हार्मफुल भी होती हैं, इसलिए आज भी बहुत सारे इंडियन हाउस होल्ड के अंदर स्टेल चपातीज खाई जाती है. एट द सेम टाइम खुशवंत सिंह ग्रैंड मदर जो थी वो अपने साथ में बहुत सारी स्टेल चपातीज लेकर जाती थी विलेज डॉग्स को फीड कर. My grandmother always went to school with me because the school was attached to the temple. मेरी grandmother हमेशा मेरे साथ स्कूल जाती थी because school कहाँ पे attached था? Temple के साथ में attached था.
The priest taught us the alphabet and the morning prayer. जो priest था वो हमारे को सिखाता था alphabet और morning prayer. While the children sat in the rows on either side of the veranda, singing the alphabet or the prayer in a chorus, my grandmother sat inside reading the scriptures. जहाँ बच्चे बैठे रहते थे either side of veranda में वो alphabets वगैरह बोलते थे, prayers वगैरह करते थे chorus के अंदर, मेरी grandmother जो थी वो उसी temple में बैठ के scriptures पढ़ा करती थी. Scriptures का मतलब क्या होता है? Vedas हो गए, epics हो गए, गुरु ग्रंथ साहिब वगैरह हो गए. She used to reach all of these things. When we had both finished, we would walk back together. This time the village dogs would meet us at the temple door. They followed us to our home, growling and fighting with each other for the chapatis we threw to them. इस बार ही विलेज डॉग जो थे हमारे को टेम्पल डोर पे मिलते थे, वो हमारे को हमारे घर तक फॉलो करते थे. देवर ग्रोलिंग, देवर फाइटिंग विद ईच अदर, बिकॉज वो चाहते थे कि उनको और स्टेल चपातीज मिले. सो अब देखो इस पैराग्राफ में क्या हो रहा है. खुशवंत सिंह इज डिस्क्राइबिंग कैसे उसकी ग्रैंड मदर उसकी लाइफ का इतना बड़ा पार्ट थी. उसके स्कूल जाने के लिए जब उसके पेरेंट्स उसे ग्रैंड मदर के पास छोड़कर सिटी में चले गए, उसे ग्रैंड मदर ने उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली. स्कूल में उसको लेकर जाना, उसको ब्रेकफास्ट कराना, उसको बेथ कराना, इन सब चीज़ों में उनका बहुत बड़ा रोल था. एट द सेम टाइम जो प्रीस्ट था वो उनको अल्फाबेट्स और मॉर्निंग प्रेयर्स वगैरह सिखाया करता था. चिल्ड्रन जो थे वो वेरांडा की इधर साइड में बैठ के अपने अल्फाबेट्स और प्रेयर्स रिसाइट करते थे, जबकि ग्रैंड मदर वहाँ पे बैठ कर अपने स्क्रिप्चर्स को रीड करा करती. When our parents were comfortably settled in the city, they sent for us. That was a turning point in our friendship. Although we shared the same room, my grandmother no longer came to school with me. I used to go to an English school in a motor bus. There were no dogs in the streets and she took to feeding sparrows in the courtyard of our city. Now, ये पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है. कई बार पेपर के अंदर क्वेश्चन आता है दैट खुशवंत सिंह एंड उनके ग्रैंड मदर के रिलेशनशिप के अंदर टर्निंग पॉइंट क्या था. सो खुशवंत सिंह यहाँ पे डिस्क्राइब कर रहे हैं कि उनके और उनके ग्रैंड मदर के रिलेशनशिप के बीच में जो टर्निंग पॉइंट था वो बेसिकली तब था जब उसके पेरेंट्स कंफर्टेबली सिटी के अंदर सेटल हो गए एंड दे कॉल्ड खुशवंत सिंह एंड हिज ग्रैंड मदर. उसके पेरेंट्स जब सिटी में जाके अच्छे सेटल हो जाते हैं तो वो खुशवंत सिंह और उसकी ग्रैंड मदर को बुलाते हैं कि आप आओ एंड हमारे साथ सिटी में रहना शुरू करो. अब खुशवंत सिंह किसी टेम्पल वगैरह में जाकर नहीं पढ़ रहा था, ही यूज टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल. उसकी ग्रैंड मदर उसको छोड़कर नहीं आ सकती थी, वो एक मोटर बस के अंदर स्कूल जाया करता था. एट द सेम टाइम वापस क्योंकि वो सिटी में आ चुके थे, यहाँ पे कोई डॉग्स वगैरह भी नहीं थे. दैट इज उसकी ग्रैंड मदर अब किसको फीड करती थी? स्पैरोज को फीड किया. सो अगर आप देखोगे एक सिंगल इवेंट की वजह से खुशवंत सिंह और उसके ग्रैंड मदर के रिलेशनशिप के बीच में पूरा टर्निंग पॉइंट आ गया. जहाँ उसकी ग्रैंड मदर उसकी लाइफ का इतना बड़ा पार्ट थी कि वो उसको स्कूल लेकर जाया करती थी, बहुत सारी चीज़ें उसके साथ में करती थी, अब क्या हो रहा था? खुशवंत सिंह एक मोटर बस में स्कूल जाता था, ही यूज टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल एंड बिकॉज वहाँ पे डॉग्स वगैरह नहीं थे, हर ग्रैंड मदर यूज टू फीड द स्पैरोज. ओके, एज द इयर्स रोल्ड बाय वी सॉ लेस ऑफ ईच अदर. जैसे जैसे ईयर्स रोल बाय होते गए, जैसे जैसे साल बीतते गए, हम लोग एक दूसरे को और कम देखना शुरू कर दिया हमने. फॉर सम टाइम शी कॉन्टिन्यू टू वेक मी अप. कुछ टाइम तक उन्होंने मुझे कॉन्टिन्यू रखा मुझे उठाना एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल. जब मैं स्कूल से वापस आता था, व्हेन आई केम बैक शी यूज टू आस्क मी क्या मेरे टीचर ने मुझे सिखाया. आई वुड टेल हर इंग्लिश वर्ड्स एंड लिटिल थिंग्स ऑफ वेस्टर्न साइंस एंड लर्निंग, द लॉ ऑफ ग्रेविटी, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, द वर्ल्ड बीइंग अराउंड एटसेट्रा. This made her unhappy. She could not help me with my lessons. तो वो कह रहे हैं कि मैं उनको बताया करता था कि मेरे क्या मुझे स्कूल में सिखाया है, कौन से इंग्लिश वर्ड्स हैं, क्या वेस्टर्न साइंस के प्रिंसिपल्स मुझे सिखाए हैं, लॉ ऑफ ग्रेविटी, आर्किमिडीज प्रिंसिपल्स, द अर्थ बीइंग राउंड, लेकिन मेरी ग्रैंड मदर को ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती थी. She did not believe in the things they thought at the school. Not at the school and was distressed that there were no teachings about the God and the scriptures. So basically, उनको पसंद नहीं था कि बच्चों को ये western teaching वगैरह सिखाई जा रही है. And at the same time, she wanted कि schools के अंदर scriptures के बारे में gods वगैरह के बारे में पढ़ाया जाए. One day I announced that we were being given music lessons. एक बार मैं घर आकर इस बात को अनाउंस करता हूँ कि हमारे को music lessons दिए जा रहे हैं, स्कूल में हमारे को म्यूजिक सिखाया जा रहा है. One day I announced that we were being given music lessons. She was very disturbed. ये बात सुन के मेरी grandmother जो होती हैं वो बहुत disturb हो जाती हैं. To her, music had lewd associations. उनके according music के lewd associations होते हैं. Lewd का मतलब क्या होता है? Undignified associations होते हैं. अच्छे associations नहीं होते. It was the monopoly of harlots and beggars. उनके according music वगैरह करने का काम किसका था? Harlots का था, beggars का था. Harlots किसे कहते हैं बेटा? Call girls को. Prostitution.
सो उनके अकॉर्डिंग ये जो म्यूजिक में इंडल्स करने वाले लोग हैं ये हरलॉट्स और बेगर्स हैं और जेंटल फोक के लिए अच्छे लोगों के लिए नहीं बने। शी सेड नथिंग बट हर साइलेंस मेंट डिसअप्रूवल। वो कुछ बोली तो नहीं आगे से लेकिन उनको समझ आ गई उनके साइलेंस का मतलब है डिसअप्रूवल। शी डिड नॉट लाइक मी लर्निंग म्यूजिक। शी रियली टॉक टू मी आफ्टर दैट। उन्होंने मेरे से उसके इतने बाद कभी कोई बात नहीं करी। व्हेन आई वेंट अप टू यूनिवर्सिटी आई वॉज गिवन अ रूम ऑफ माई ओन। जब मैं यूनिवर्सिटी गया तो मुझे वहीं पर ही हॉस्टल के अंदर एक रूम दे दिया गया। द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वॉज स्नैप। जब तक आप देखो कि पहले विलेजेस के अंदर जब वो रह रहा था अपनी ग्रैंड मदर के साथ में ही वॉज टोटली डिपेंडेंट अपॉन हिज ग्रैंड मदर एंड ग्रैंड मदर और खुशवंत सिंह एक दूसरे की लाइफ का एक बहुत बड़ा पार्ट थे। लेकिन जब वो सिटी में आता है पहली चीज़ पहला टर्निंग पॉइंट जो होता है कि अब वो स्कूल खुद मोटर बस में जाना शुरू करता है। उसकी ग्रैंड मदर उसको नहीं छोड़ती है। सेकेंडली वो उसकी टीचिंग्स वगैरह में उसकी हेल्प नहीं कर सकती बिकॉज उसको इंग्लिश वर्ड्स और वेस्टर्न प्रिंसिपल सिखाए जा रहे हैं। इसके अलावा जब वो यूनिवर्सिटी जाता है तो ये फाइनल चीज़ होती है बिकॉज वहाँ पर उसको अपना खुद का रूम मिल जाता है एंड जो कॉमन लिंक होता है ग्रैंड मदर और खुशवंत सिंह के बीच में वो ख़त्म हो जाता है। माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सेक्लूजन विद रेजिग्नेशन। सेक्लूजन का मतलब क्या होता है? अलग हो जाना, दूर हो जाना। तो मेरी ग्रैंड मदर ने इस सेक्लूजन को, इस अलग हो जाने को एक्सेप्ट कर लिया था। शी रेयरली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील टॉक टू एनीवन। जो उनका स्पिनिंग व्हील उनका चरखा था उसको वो छोड़ती नहीं थी। वो रेयरली किसी से बात वगैरह अब नहीं करती थी। फ्रॉम सनराइज टू सनसेट वो अपने व्हील के पास बैठकर सिर्फ स्पिन किया करती थी एंड शी यूज्ड टू रिसाइट प्रेयर्स। ओनली इन द आफ्टरनून थोड़ा सा रिलैक्स करती जब वो जाके स्पैरोज को फीड किया करती थी। व्हाइल शी सैट इन द वेरांडा ब्रेकिंग द ब्रेड इनटू लिटिल बिट्स हंड्रेड्स ऑफ बर्ड्स कलेक्टेड अराउंड हर बाय क्रिएटिंग अ वर्टेबल बेडलैम ऑफ चॉकलेट्स। तो कह रहे हैं कि मेरी ग्रैंड मदर जो थी मेरे जाने के बाद यूनिवर्सिटी वो पूरा पूरा टाइम उसी चरखे के ऊपर उसी स्पिनिंग व्हील पे लगी रहती थी एंड जब भी वो ब्रेक वगैरह लेती थी शी यूज्ड टू टेक अ स्मॉल ब्रेक इन द आफ्टरनून व्हेन शी यूज्ड टू गो टू फीड द स्पैरोज। उनके आसपास बहुत सारे स्पैरोज इकट्ठा हो जाते थे उनकी चर्पिंग्स वगैरह बहुत ही अच्छी साउंड निकालती थी। सम केम एंड पर्च्ड ऑन हर लेग्स। पर्च्ड का मतलब क्या होता है? पर्च्ड का मतलब होता है सैट, बैठ जाना। तो कुछ स्पैरोज आकर उनकी लेग्स के ऊपर भी बैठ जाते थे, उनकी शोल्डर्स के ऊपर, इवन उनके हेड के ऊपर भी जाके बैठ जाते थे। शी स्माइल्ड बट नेवर शूड द मून। स्पैरोज आकर उनके जहां मर्जी बैठे उनके हेड के ऊपर, लेग्स के ऊपर, शोल्डर्स के ऊपर, शी ओनली यूज टू स्माइल। वो कभी उनको शू वगैरह भगाती वगैरह नहीं थी। इट यूज टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर। अपने पूरे दिन का सबसे अच्छा हाफ आवर जो था वो ये था जब वो स्पैरोज को फीड किया करती थी। When I decided to go to abroad for further studies, I was sure my grandmother would be upset. जब मैंने डिसाइड करा कि मैं अब्रॉड जाऊंगा फर्दर स्टडीज के लिए मैं श्योर था मेरी ग्रैंडमदर बहुत अपसेट होगी। I would be away for 5 years and at her age one could never tell. मैं 5 साल के लिए अपनी कंट्री से अलग जा रहा था, दूर जा रहा था एंड उनकी एज में हम लोग श्योर भी नहीं थे कि वो कब तक जिएंगी, by what time she'll be alive. बट माई ग्रैंड मदर कुड, शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल। वो कुछ सेंटिमेंटल या इमोशनल वगैरह भी नहीं थी। शी केम टू लीव मी एट रेलवे स्टेशन। मेरे को रेलवे स्टेशन छोड़ने भी आई। उन्होंने मुझसे कोई बात नहीं कही, कोई इमोशन शो नहीं करा। उनके लिप्स अभी भी प्रेयर रिसाइट कर रहे थे, उनका माइंड अभी भी प्रेयर के अंदर ही था। हर फिंगर्स वर बिजी टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी। उनके फिंगर अभी भी रोजरी के बीट्स को टेल कर रहे होते, कोई ना कोई प्रेयर रिसाइट कर रही थी वो। साइलेंटली शी किस्ड माई फोर। साइलेंटली वो मेरे फोरहेड को किस करती हैं एंड व्हेन आई लेफ्ट आई चेरिश द मॉइस्ट इम्प्रिंट एज परहैप्स द लास्ट साइट ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन अस। नाउ आप देखो इसकी लाइंस में से क्वेश्चन आते हैं, आपको लाइंस में से पूछेंगे व्हाट वाज द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन खुशवंत सिंह एंड हर ग्रैंड मदर। तो जब उसकी ग्रैंड मदर उसको छोड़ने आई होती हैं स्टेशन के ऊपर, स्टार्टिंग में वो कोई इमोशन शो नहीं करती हैं, शी इज टोटली लॉस्ट इन हर प्रेयर्स। लेकिन जब खुशवंत सिंह वहां से जाने वाला होता है तो वो क्या करती हैं एट दैट टाइम, उस टाइम पर वो उसको फोरहेड के ऊपर किस करती हैं एंड ये लास्ट फिजिकल इंटरेक्शन होती है उन दोनों के बीच में। बट दैट वॉज नॉट सो। आफ्टर 5 years आई केम बैक। मुझे लगा था कि मेरे लास्ट साइन होगा फिजिकल कॉन्टैक्ट का, फिजिकल इंटरेक्शन का, लेकिन ऐसा नहीं होता। 5 साल बाद जब मैं घर वापस आता हूँ, मैं स्टेशन पे दोबारा उनको मिलता हूँ, शी डिड नॉट लुक अ डे ओल्डर। वो अब भी बिल्कुल वैसे ही लग रही होती है। शी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स। उनके पास कोई टाइम नहीं होता वर्ड्स वगैरह का। व्हाइल शी क्लास्प्ड मी इन हर आर्म्स आई कुड हियर हर रिसाइटिंग हर प्रेयर्स। जब वो मुझे हग भी करती हैं अपने आर्म्स में, क्लास्प भी करते हुए मेरे को सुनाई दे रहा होता है दैट शी इज स्टिल टेलिंग द बीट्स ऑफ द रोजरी, शी इज स्टिल रिसाइटिंग हर प्रेयर्स।
Even on the first day of my arrival, her happiest moments were with the sparrows, whom she fed longer with frivolous rebukes. Even मेरे वापस आने के पहले दिन पर भी उनके happiest moments क्या होते हैं जब वो sparrows को वो चीज़ें खिला वगैरह रही होती हैं, whom she fed longer and with frivolous rebukes. तो उनको और time तक half ना से भी ज़्यादा उनको खिला रही होती हैं. She is very happy. In the evening, a change came over. शाम के अंदर, evening के अंदर, अचानक उनके अंदर एक change आता है. She did not pray. वो प्रे नहीं करती हैं. शी कलेक्टेड द वुमेन ऑफ द नेबरहुड गॉट एन ओल्ड ड्रम एंड स्टार्टेड टू सिंग. तो वो क्या करती हैं, पहली बार वो कोई प्रेयर वगैरह नहीं करती हैं. जितने भी वुमेन नेबरहुड के अंदर होती हैं, वो उन सबको इकट्ठा करती हैं, एक ओल्ड ड्रम लेती हैं एंड सिंग करना शुरू करती हैं. फॉर सेवरल आवर्स शी थंप्ड द सैगिंग स्किन्स ऑफ द डिलैपिडेटेड ड्रम. तो उस थोड़ा सा जो खराब सा ड्रम होता है, एजेड सा ड्रम होता है, वो जोर जोर से उसको थंप करके बजाना शुरू करती हैं. And sang of the homecoming of warriors. और वे गाना गाती हैं जो गाया जाता था warriors के घराने. We had to persuade her to stop to avoid overstraining. हमारे को उनको persuade करना पड़ता है रुकने के लिए ताकि वो अपने आप को overstrain ना करे. That was the first time since I had known her that she did not pray. ऐसा पहली बार हुआ होता है जब से मैं उनको जानता हूँ कि वो pray नहीं करती. She did not pray. The next morning she was taken ill. अगली मॉर्निंग उनकी तबीयत जो होती है वो खराब हो जाती है. इट वॉज अ माइल्ड फीवर, थोड़ा सा फीवर ही उनको हुआ होता है और डॉक्टर कहता है कि फीवर बड़ी आराम से चला जाएगा. बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली. लेकिन मेरी ग्रैंड मदर कुछ और सोच रही थी. शी टोल्ड अस दैट हर एंड वाज नियर. वो हमें खुद बताती हैं कि उनका एंड जो है वो बहुत पास आ चुका है. शी सेड दैट सिंस ओनली अ फ्यू आवर्स बिफोर द क्लोज ऑफ द लास्ट चैप्टर ऑफ हर लाइफ शी हैड कमिटेड टू प्रे, शी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम टॉकिंग. तो आप देखो, उसने अपनी पूरी लाइफ जो प्रेइंग में निकाली है, रिसाइटिंग प्रेयर्स में निकाली है, लास्ट में सिर्फ आकर वो एक दिन प्रेयर नहीं करती. सो दैट इज वाई उसको उनके अंदर एक गिल्ट होता है कि अपनी पूरी लाइफ ये काम करने के बाद लास्ट चैप्टर ऑफ द लाइफ के अंदर शी हैड ओमिटेड टू प्रे, शी डिड नॉट प्रे. दैट इज वाई वो हमारे साथ कोई भी टाइम वेस्ट नहीं करती हैं बात करते हुए. हम प्रोटेस्ट करते हैं, हम कहते हैं कि नहीं आप हमारे को बात करने दो, बट शी इग्नोर्ड आवर प्रोटेस्ट. She lay peacefully in the bed, praying and telling her beads. Even before we could suspect, her lips stopped moving. All doctor ने कहा होता, उन्हें कुछ भी नहीं होगा, एक बहुत ही mild सा fever होगा. वो हमारे सामने pray करना शुरू करती हैं. एक moment के अंदर ही she lay peacefully in the bed, praying and telling her beads. Even before we could suspect, her lips stopped moving and the rosary fell from her lifeless fingers. उनके लिप्स जो होते हैं वो प्रेयर रिसाइट करना बंद करते हैं, उनके हाथ पे रोजरी होती है वो नीचे गिर जाती है. अ पीसफुल पैलर स्प्रेड ऑन हर फेस एंड वी न्यू दैट शी वाज देयर. उनके फेस के ऊपर एक बहुत ही पीसफुल सा डिमीनर, एक बहुत ही पीसफुल सी इमेज क्रिएट होती है एंड हमें बात समझ आ जाती है दैट शी इज नो लॉन्गर अलाइव. वी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड एंड एज कस्टमरी लेड हर ऑन द ग्राउंड. जैसे हमारे कस्टम्स वगैरह करते हैं, हम उनको बेड से उठाते हैं, उनको ग्राउंड के ऊपर रख देते हैं. हम उन्हें कवर करते हैं एक रेड श्राउड से, एक रेड कलर की चादर वगैरह से. आफ्टर अ फ्यू मोमेंट्स ऑफ मॉर्निंग हम उनको अकेला छोड़ देते हैं ताकि हम उनकी फ्यूनरल की अरेंजमेंट्स कर सकें. इन द इवनिंग हम उनके रूम में जाते हैं, वहाँ से एक स्ट्रेचर निकालते हैं ताकि हम उनको उठाकर वहाँ से बाहर लेके आ सकें क्रीमिएशन के लिए. द सन वॉज सेटिंग एंड हैड लिट हर रूम एंड वरांडा विद अ ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट. हमारे कुछ अलग सी चीज़ें नज़र आती हैं. हमने एक चीज़ नज़र आ रही होती है कि उनके रूम के अंदर एक बहुत ही सुंदर गोल्डन लाइट आ रही होती है सन की. वी स्टॉप्ड हाफवे इन द कोर्टयार्ड ऑल ओवर द वेरांडा उनके रूम के अंदर राइट अप टू वेयर शी ले डेड एंड स्टिफ रैप इन द रेड श्राउड थाउजेंड्स ऑफ स्पैरोज हैड स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर. तो उनके पूरे के पूरे रूम के अंदर जहाँ पे वो खुद होती हैं, जहाँ पर उनको हमने रेड श्राउड से कवर किया होता है, हर जगह वहाँ पे स्पैरोज ही स्पैरोज होती हैं. देर वर नो चर्पिंग. वो चर्प नहीं कर रही होती. हमारे को बहुत ही बुरा लगता है. वी फील सॉरी फॉर द बर्ड्स एंड मेरी मदर जो होती है उनके लिए कुछ ब्रेड लेकर आती है. जैसे मेरे ग्रैंड मदर उनको रोटी डाला करती थी, मेरी मदर भी उस कस्टम को रिपीट करने के लिए उनकी थोड़ी सी ब्रेड लेकर आती है. शी ब्रोक इट इन टू लिटिल क्रम्स. छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर, क्रम्स के अंदर वो उनको ब्रेक करती है. द वे माई ग्रैंड मदर यूज, जैसे मेरी ग्रैंड मदर करा करती थी वैसे ही वो भी करती हैं. एंड थ्रू इट टू देम, उनकी तरफ फेंकती हैं. द स्पैरोज टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड. स्पैरोज ब्रेड को नहीं खाते. When we carried my grandmother's corpse off, they flew away quietly. जब हम अपने grandmother के corpse को वहाँ से लेकर जाते हैं cremation के लिए, तो वहाँ से बहुत ही quietly sparrows flew away कर जाते हैं. Next morning, the sweeper swept the breadcrumbs to dust. इस last line का मतलब क्या है? इस last line का मतलब है कि sparrows जो हैं वो breadcrumbs को नहीं खाते. Sparrows did not consume the breadcrumbs.
सो बेसिकली अगर आप देखोगे हमने जो ये चैप्टर कवर करा है, इस चैप्टर का नाम क्या है, द पोर्ट ऑफ अ लेडी बाय खुशवंत सिंह। हमने इस चैप्टर में डिस्कस करा द रिलेशनशिप बिटवीन खुशवंत सिंह एंड हर ग्रैंडमदर। हमने कुछ स्टेजेस में डिस्कस करा। फर्स्ट स्टेज में जहाँ पे उसके लिए बहुत ही मुश्किल है अपनी ग्रैंडमदर को प्रिटी इमेजिन करना, बट यू कैन ऑलवेज सेट हिज ग्रैंडमदर इज इमेंसली ब्यूटिफुल, शी इज लाइक अ प्योर सीरीन लैंडस्केप ऑफ माउंटेन्स और सेरेनिटी। फर्स्ट फेज कहने जब अपने ग्रैंड मदर साहब विलेज के अंदर हैं, वो दोनों ही दूसरे की लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। सेकंड में जब वो सिटी के अंदर आते हैं, उनका रिलेशनशिप चेंज होता है, उसको इंग्लिश वर्ड्स, म्यूजिक और वेस्टर्न नॉलेज दी जा रही है, उसे ग्रैंड मदर के लिए बहुत ही रिवोल्टिंग है। लास्ट स्टेज में वो यूनिवर्सिटी जाता है, इवन कंट्री छोड़कर भी चला जाता है। जब वो वापस आता है तो ऐसा पहली बार होता है कि ग्रैंड मदर प्रेयर नहीं करती हैं एंड वो विमेन को बुलाकर वहाँ पे ड्रम्स बीट करके गाना शुरू करती हैं अबाउट होम कमिंग ऑफ फॉरेनर्स। नेक्स्ट उनकी तबीयत खराब होती है, उन्हें एक माइल्ड सा फीवर होता है। डॉक्टर कहता है कि उन्हें कुछ भी नहीं है, द फीवर वुड गो अवे, बट शी टोल्ड अस दैट हर एंड हैड कम नियर। वो हमारे साथ कोई भी और टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती बात करने में, बिकॉज शी फेल्ट कि अपने आखिरी टाइम के अंदर शी हैड कमिटेड टू प्रे। दैट इज वाई वो अपनी प्रेइंग करनी शुरू करती हैं एंड उसी मोमेंट में उनके हाथ से, वो जो लाइफलेस हैंड से जो रोजरी होती है वो नीचे गिर जाती है एंड शी इज नो लॉन्गर अलाइव। बहुत सारे वहाँ पर स्पैरोज वगैरह इकट्ठा होते हैं उनके रूम के अंदर, उनके कॉप्स के पास में। मदर जो होती है उनको बहुत बुरा लगता है, वो उनके लिए कुछ ब्रेड तोड़कर उनको डालती है, लेकिन ऐसा पहली बार होता है कि स्पैरोज भी उनको कंज्यूम नहीं करते। अगली सुबह जब स्वीपर वहाँ पर आता है कमरे की सफाई करने के लिए, तो उसको नजर आता है कि स्पैरोज ने अभी भी उस ब्रेड को कंज्यूम नहीं किया होता। दैट इज एनिमल्स के अंदर भी बहुत सारे ह्यूमन लाइक इमोशंस। एक पर्टिकुलर पर्सन जो इतने टाइम से फीड करता हुआ आ रहा था, उसकी डेथ का उनके इतना बड़ा इम्पैक्ट पड़ा कि उन्होंने अपना खाना वगैरह कंज्यूम नहीं करा। द स्पैरोज हैड नॉट कम देयर फॉर फूड, द स्पैरोज हैड कम देयर टू मोन द डेथ ऑफ द ग्रैंडमदर। ये सब चीज़ें हैं जो हमने इस चैप्टर में डिस्कस करी हैं, द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी बाय खुशवंत सिंह। सो अगर आप देखो, आज हमारी पहली क्लास थी इंग्लिश की एंड हमने इस पर्टिकुलर फर्स्ट लेक्चर के अंदर पोर्ट ऑफ अ लेडी बाय खुशवंत सिंह को पूरा खत्म किया। नेक्स्ट क्लास हमारी जो होगी हम इसे कंटिन्यू करेंगे, बहुत सारे और लिटरेचर के टॉपिक्स देखेंगे, ग्रामर के टॉपिक्स देखेंगे। अगर आप लोगों को और इन्फॉर्मेशन चाहिए क्लासेस की, आप russellcircle.com पर जा सकते हो। ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर नंबर है, यू कैन डायल दैट, यू कैन मैसेज ऑन दैट नंबर एंड यू कैन ऑल्सो ऑन Russell Circle ऐप, विच इज अवर ऑफिशियल ऐप फ्रॉम द प्ले स्टोर एंड। थैंक यू एवरीवन, होप यू लाइक टूडेज एफर्ट्स। अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगती है, फ्रूटफुल लगती है, लाइक द वीडियो, डू लीव योर वैल्यूएबल कॉमेंट्स एज दिस सर्व्स अ ह्यूज मोटिवेशन बूस्टर। थैंक्स अ लॉट एवरीवन, बाय बाय।